सबसे पहले जोहार, नमस्कार, आदाब। 20 नवंबर 2022 रंग शारदा ऑडिटोरियम बांद्रा वेस्ट मुंबई में झारखंड दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है झारखंडी एकता संघ मुंबई के द्वारा, जिसमें झारखंड से माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक जी, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और मुखिया, समाज सेवी, गणमान्य लोग उस 20 नवंबर को उपस्थित रहेंगे और मुंबई में रह रहे तमाम झारखंड प्रवासी लोग भी मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में ब्यूरोक्रेट्स भी रहेंगे, बिजनेसमैन भी रहेंगे और तमाम तरह के लोग रहेंगे इस कार्यक्रम में। संस्था 2005 से मुंबई में झारखंड स्थापना दिवस मना रही है और संस्था प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रही है, एजुकेशन सेक्टर में भी काम कर रही है, हेल्थ सेक्टर में भी, और किसी भी प्रकार का घटना घट जाए तो हमारी पूरी टीम तत्पर रहती है लोगों की सेवा करने के लिए। और तमाम मुंबई में, महाराष्ट्र में रह रहे एवं पड़ोसी राज्य गुजरात में, गोवा में रह रहे उन तमाम झारखंड वासियों से मेरी अपील है कि 20 नवंबर 2022 शाम 6 बजे रंग शारदा ऑडिटोरियम बांद्रा वेस्ट में आप सब सादर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेरी पूरी टीम, संस्था के सारे लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं और सफल कर रहे हैं, सफल बनाने में लगे हैं। और 2005 से भी कार्यक्रम यहाँ चल रहा है और 2016 में मेक इन इंडिया का कार्यक्रम था तो संस्था के द्वारा हम लोगों ने ट्राइडेंट होटल में मेक इन झारखंड का कार्यक्रम रखा था, जिसमें काफ़ी बिजनेसमैन इसमें आए थे कि झारखंड में भी कुछ इन्वेस्ट किया जाए, बहुत सारे इस तरह के हैं। और लगभग 250 से ऊपर संस्था के माध्यम से मेरी पूरी टीम की हेल्प से झारखंड में डेड बॉडी भेज चुके हैं। किसी प्रकार घटना घट जाए तो 12 बजे रात वहाँ के सांसद, विधायक, चाहे मंत्री कोई भी हो, तुरंत हमारी टीम को संपर्क करते हैं और हम लोग मदद करते हैं। एकमात्र विश्वसनीय झारखंडी एकता संघ संस्था है जो मुंबई, महाराष्ट्र एवं दिल्ली में काम कर रही है और कोरोना काल में मेरी पूरी टीम लगभग 12,000 से ऊपर लोगों को राशन देने का काम किया, जैसे मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ऐसे ऐसे राज्यों में जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पा रही थी वहाँ हमारी टीम डिजिटल इंडिया के जरिए उन लोगों को राशन देने का, मुहैया कराने का काम किया। और आए दिन आए घटना घटते हम झारखंड सरकार से, हम लोग की पूरी टीम की मांग है कि झारखंड प्रवासी कल्याण आयोग का गठन किया जाए, जिसका नोडल अधिकारी हो और संस्था के प्रयास से प्रवासी मजदूरों को दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपया दिया जाता है, उससे हम चाहते हैं कि नेचुरल डेथ में भी झारखंड के प्रवासी मजदूरों को मिले और तत्काल इसका सरली जो मुआवजा देने में लेट होता है उसका सरकार से मेरा अनुरोध है कि सरलीकरण किया जाए और जो एम्बुलेंस का खर्च मिलता है 50,000 रुपये उसको सरलीकरण करके तुरंत तत्काल उसको किया जाए, या कि कोई भी संस्था से MU करके उसको, ताकि उस आदमी डेथ होने के बाद उस मृत शरीर उसका झारखंड पहुंच जाए। हम लोग संस्था के माध्यम से रांची से फ्री में एम्बुलेंस करा के देते हैं, सरकार से संपर्क करके लोगों को पहुंचाते हैं और आगे फ्यूचर में हमारी टीम बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और कार्यक्रम कर रहे हैं, लोग विदेश से भी लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे संस्था में जुड़े हैं जिनका विदेशों में भी कारोबार है और झारखंड में भी है, जैसे कि जीता जागता हमारे फिरोज आलम साहब हैं, संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इनका विदेश में भी लगभग 8-10-15 कंट्री में इनका कारोबार चलता है और झारखंड देवघर मधुपुर के हैं, रहने वाले हैं और समाज सेवा के हिसाब से इन्होंने करोड़ों की लागत से मधुपुर में हीना जनरल हॉस्पिटल खोले, लोगों को सुविधा मिल रहा है, लेकिन इसका कद्र झारखंड वाले नहीं समझ पा रहे और हमेशा ये लोगों को मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनको विदेश जाना था लेकिन कार्यक्रम के लिए रुके हुए हैं, प्रोग्राम होने के बाद ये विदेश भी जाएंगे और वहाँ से भी लोगों को झारखंड वालों से संपर्क करते हैं, लोग बहुत खुशी होते हैं कि चलो अपने इलाके के लोग मिले हैं। फिरोज जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं और खुद समाज सेवा के क्षेत्र में भी हैं जी, क्या कहेंगे ये जो 20 तारीख को प्रोग्राम होने जा रहा है? जी, मैं सबसे पहले असलम साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रोग्राम में और ऐसे संस्था में हमें जोड़ा है, बड़ा मज़ा आया, सालों से इस संस्था में जुड़ा हुआ हूँ और अभी अभी इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट हमें बनाया है, मैं शुक्रगुजार हूँ इस संस्था का। और मुझे लगता है कि एक जुनून होनी चाहिए काम करने की, और जब मैं असलम साहब से मिला, जब बात किया, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को अगर हमने साथ दिया तो हम बहुत आगे और कुछ भी करने को
कर सकते हैं और कर रहे हैं। बस आप लोगों से यही है कि हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, हमारे झारखंडियों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और अभी आदित्य साहब भी आ रहे हैं, कई हम लोग कल जाके मिले, तो आज शाम तक हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम किसे बुला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कीमती समय निकल के आप लोग आए हैं, और हमारे अध्यक्ष साहब हैं झारखंड एकता संघ के असलम जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा प्रोग्राम हर साल 2005 से ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें सहयोग हमेशा बढ़ चढ़ कर के फिरोज आलम भाई करते हैं यहाँ से झारखंड तक। हमारे सुनील साहब भी बहुत मेहनत करते हैं संस्था के हर लोगों के लिए, ये भी झारखंड हजारीबाग से हैं, ये भी बहुत सहयोग करते हैं संस्था के किसी भी कोई भी कार्यक्रम हो, काम हो, लेबर हो, मजदूर हो, यहाँ से झारखंड तक काम करते हैं झारखंडी एकता संघ। उन सब में विनोद प्रसाद जी भी हमारे महासचिव हैं, ये भी बहुत तन मन धन से लगे रहते हैं। और हम लोग यहाँ के मुंबई में तमाम झारखंड वासी जो आते हैं, भले किसी रोजगार से क्षेत्र से हो, और कैंसर पेशेंट बहुत आते हैं, उन लोगों को हम लोग मदद करते हैं। मुंबई में पिछले 20 साल से मैं भी हूँ, और मेरा होटल क्षेत्र में हूँ, होटल एवियन पार्क से अभी हम लोग बात कर रहे हैं। इसी तरह से मेरा 12-15 ब्रांच है। असलम भाई का कहना है कि कोई भी अपना झारखंड के लोग आते हैं, कोई पैसा देता है तो ठीक है, नहीं है गरीब है तो हम लोग बिना पैसे निःशुल्क सेवा में देते हैं। कैंसर पेशेंट है, स्टूडेंट है, 50% डिस्काउंट में देते हैं, और सब लोग अपना अपना झारखंडी एकता संघ के माध्यम से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आगे भी सब मिलजुल के इसी तरह से हम लोग हर साल झारखंड दिवस मनाएंगे। हम सभी झारखंड वासियों से अपील करते हैं कि संडे 20 नवंबर 2022 को जो प्रोग्राम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, मिले जुले, एक दूसरे को जाने, हम लोग कहाँ कौन है, क्या करता है, ज़रूरत पे एक दूसरे को हम लोग संपर्क करें, हमारा एक झारखंड का लोग एक दूसरे से संपर्क में रहें, ताकि हर दुख सुख में एक दूसरे के साथ हम लोग खुशी भी बांट सके और दुख भी बांट सके। यहाँ अभी पिछले हफ्ते में कम से कम 3 डेथ हो गया था, एक दिन एक झारखंड एकता संघ ने सबको मदद किया, सहयोग किया, और बहुत सारा अभी तक डेड बॉडी को हम लोग गाँव भेजा, किसी तरह से कोई एक्सीडेंट हो गया उन लोगों को मदद किया, स्टूडेंट है, कैंसर पेशेंट है, रोजी रोजगार के लिए आते, कल ऑटो टैक्सी वाले कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ बात हो गया, कुछ लीगल मैटर आते हैं, वैसे में जाके झारखंड एकता संघ सहयोग करती है। और सब इसी तरह से 2005 से हम लोग कर रहे हैं, 15-17 सालों से, आगे भी इस कार्यक्रम को हम लोग जारी रखेंगे, और आप लोग हम सब जनता के सहयोग से बेहतर करने की कोशिश करेंगे आगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया।